जय हिंद। आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड। देखिए, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर एक नया डिसीजन ले आया है, जिसमें कि एसबीआई को उसने ये ऑर्डर दिया था कि सारे इन्फॉर्मेशन और डिटेल को सबमिट करना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी एससी के अंदर। और लेकिन यहाँ पर जो एसबीआई थी उसने पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। भैया, इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल मतलब कि वो सारी चीजें, दोज ऑल द थिंग्स दे आर यूज इन फॉर इलेक्शंस, यानी कि हर वो चीज जो इलेक्शंस के लिए यूज की जा रही हो, चुनाव के लिए यूज की जा रही हो, वो क्या है? इलेक्टोरल है। अब इलेक्टोरल का मतलब ही तो ये बन रहा है ना, वर्ड से ही पकड़िए आप, कि इलेक्टोरल क्या जो कि इलेक्शन से रिलेट कर रही हो वो क्या है? इलेक्टोरल है। ठीक, बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? देखिए, यहाँ पर बॉन्ड का मतलब केमिस्ट्री वाला बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर बॉन्ड का मतलब फाइनेंशियल स्कैम वाला बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर बॉन्ड का मतलब है कि मेरे और आपके बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसके थ्रू आप मनी का ट्रांजेक्शन करें। ठीक है, कोई ऐसा मैं से कह सकते हैं कि कोई ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है, कोई ऐसा पेपर अग्रीमेंट है जिसमें ये है, ये हो गया कि भैया हमने ये लिख दिया कि मैंने आपको पैसा दिया या आपने मुझे पैसा दिया। तो ये जो बॉन्ड था ये कहाँ बनता था? ये एसबीआई के अंदर बनता था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये डायरेक्टली नहीं दिया जाता था या फिर गवर्नमेंट से नहीं देती थी, अब ये जाता था किसके पास? एसबीआई, और एसबीआई उस पार्टी को फंडिंग करती थी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, 2017 में जो हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, उन्होंने ये डिमांड की कि एक इलेक्टोरल बॉन्ड होना चाहिए। अभी क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए, इससे पहले जितने भी चुनाव होते थे तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें फंडिंग की जरूरत है, बिना फंडिंग के वो पार्टी चल नहीं सकती, क्योंकि उनका कोई अपना खुद का कोई बिजनेस तो है नहीं, कोई खुद का टर्नओवर तो है नहीं। टर्नओवर भी होगा तो कितने समय तक चलेगा? कहीं ना कहीं तो जाकर फ्लॉप होगा ना, कहीं ना कहीं जाकर तो खत्म होगा। तो माफ कीजिएगा, तो अरुण जेटली जी ने ये बात को कहा कि जितने भी मतलब कंपनीज हैं वो डायरेक्टली क्या करती हैं कि सारे पैसा को निवेश कर देती हैं किसी भी पार्टी में, किसी भी पार्टी को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो अलग अलग जगह से फंडिंग लेती है। तो अरुण जेटली जी ने कहा कि जब कोई भी पैसा है वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है, वो डायरेक्टली कोई भी आदमी जा रहा है, 100 करोड़, 500 करोड़ कहां से ले आ रहा है, कैसे ले आ रही है, किसी को कुछ नहीं पता, और डायरेक्टली ले जाकर पे कर दे रहा है, जमा कर दे रहा है। तो गवर्नमेंट को लगा कि हाँ ये बात सही है, और फिर फाइनली ये 2017 में लॉन्च हो जाता है। ठीक है, मनी बिल एक्ट के तहत, जिसके अंदर आप कैश सिर्फ 2000 तक दे सकते हैं, सिर्फ 2000 रुपए तक ही आप किसी भी पार्टी को कैश में फंडिंग कर सकते हैं, नहीं तो आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना होगा। अब इसमें क्या था कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या था, क्या रीजन था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक कह दिया, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। अब रीजन इसके पीछे का समझिए, क्योंकि जो एसबीआई थी, अगर कोई भी आदमी जो बॉन्ड खरीद रहा है, कोई भी आदमी जो बॉन्ड को खरीद रहा है, उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन उस बॉन्ड पर नहीं लिखी होती थी। बॉन्ड एक सिंपल सा समझिए कि एग्रीमेंट एक टाइप का होता था, उसमें एसबीआई पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखती थी और कहते थे कि भैया इस मतलब कि उसमें ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लिखा जाता था, ना ही किसी का नाम लिखा जाता था। आदमी जो क्या करता था कि जाके एसबीआई से डायरेक्ट बॉन्ड को खरीदता था, और खरीद के वो डायरेक्ट कहां जाकर, जिस भी पार्टी को उसे फंडिंग करनी है उससे जाकर जमा कर देता था। तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कहा? क्योंकि देखो, जहां पर भैया डेमोक्रेसी है, जहां पर लोकतंत्रता है, वहां पर हर एक चीज को दिखाना जरूरी है। अगर आप किसी भी चीज को छुपाते हैं तो वो भाई लोकतंत्रता फिर नहीं कहलाएगी, आर्टिकल नंबर 19A का ये उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें अब आप क्या कर रहे हो कि आप ले जाकर डायरेक्ट जमा कर दे रहे हो, ना ही किसी को पता चल रहा है किसने कितनी फंडिंग की, किस पार्टी को कितनी फंडिंग मिली। जैसे कि 2014 से पहले सबसे ज्यादा फंडिंग किसे हुई थी? कांग्रेस को हुई थी। 2014 से बाद सबसे ज्यादा फंडिंग किसे हुई है? 600 अरब 60 करोड़ कुछ ऐसे मीन्स की लाखों में जो पैसा था बीजेपी को फंडिंग हुई है। तो इतना जो फंडिंग था वो किस कहां से हुआ? इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। और इसका कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं कि भैया किसने दिया किसने नहीं दिया। रीजन ये था कि जब ये एक्ट लाया गया, जब यही प्रॉब्लम थी तो इसे लाया क्यों गया? लाया इसलिए गया था ना ताकि देखो, किसी भी अगर आप इस समय बीजेपी की सरकार मान लीजिए कि अब की बार जो इलेक्शंस होने वाले हैं इसके बाद कांग्रेस की सरकार आ जाए, और कांग्रेस की सरकार अगर आ गई तो उसने देखा कि भैया इस कंपनी ने बीजेपी को इतनी फंडिंग की, तो वो तो टारगेट पे कर लेगी, इसीलिए इसमें छुपाया गया था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसी भी चीज को छुपाना असंवैधानिक है, इसीलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। अब आप इसमें कैसे बॉन्ड खरीद सकते थे? जो बॉन्ड बनता था वो एक पहला 1000 का, फिर 10000 का, फिर 1 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अब देखिए, इसमें सोचने वाली बात ये है कि
जितना भी बॉन्ड वॉन्ड बनता था, ठीक है, तो लोगों को पहले छोटा वाला खरीदना चाहिए ना, ज्यादातर तो छोटा वाला ही आना चाहिए, 1,000 वाला 10,000 वाला या 1,00,000 वाला 10,00,000 वाला बिकना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था, जो सबसे ज्यादा बॉन्ड बिके थे, सबसे ज्यादा जो बॉन्ड बिके थे किसी भी कंपनी को, मतलब कि किसी भी पार्टी को वो बॉन्ड दिए गए थे, तो वो किससे दिए गए थे, मतलब वो कौन सा खरीदा गया था, 7 करोड़ वाला, मतलब 10 करोड़ वाला, माफ कीजिएगा। अब वो कितना था, 5,702। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना बड़ा अमाउंट रहा होगा। तो इसलिए, और इसके कोई बीच में ट्रांसपेरेंसी थी ही नहीं, गवर्नमेंट को कुछ पता ही नहीं चल रहा है भैया कि कहां से पैसा आ रहा है कहां से नहीं आ रहा है, किस कंपनी ने फंडिंग की, किस कंपनी ने फंडिंग की, ठीक है। इसीलिए इसको लाया गया। और सबसे सोचने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा 10 करोड़ वाला बॉन्ड भी, आश्चर्य वाली बात है ना। फिर उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि इसको जमा कितने दिन में किया जाता है। देखिए, जनवरी, अप्रैल, जून और अक्टूबर, एसबीआई क्या काम करती थी कि इन्हीं 4 महीनों में ये अपना जो ऑनलाइन बॉन्ड का जो मतलब सबमिशन था उसे लॉन्च करती थी, कि जिसे भी भैया पार्टी को फंडिंग करना है, जिसे भी पार्टी को फंडिंग करना है तो क्या काम करे कि बॉन्ड खरीदे इन्हीं 4 महीनों के अंदर, और वो सबमिट कर दे उस पार्टी को। ना ही उस पे जिसने खरीदा उसका नाम लिखा होता था, ना ही पार्टी का नाम लिखा होता था, ये डायरेक्टली एक पेपर होता था जो कि आप खरीद रहे हो, कितने लाख का आपने खरीदा, कितने खरीदा, बस वो होता था। और आप जाके एसबीआई को, जिस पार्टी को जमा करोगे वो पार्टी एसबीआई को जमा करेगी, उसे डायरेक्टली कैश पैसा मिल जाएगा, यही होता था। अब इसकी डेट थी कुछ 15 दिन की। अगर आप 15 दिन के अंदर, ये है कि अगर 15 दिन के अंदर आप जमा करते हो तो ठीक है, अगर 15 दिन के अंदर आप नहीं जमा करते हो तो पैसा डायरेक्टली कहाँ चला गया, गवर्नमेंट के हाथों में, सरकार ये पूरा पैसा ले लेगी, चाहे जितना भी आप चाहे जितना सर पटक लीजिए, ये हमारे देश का उस समय का कानून, ठीक है। अब कुछ शर्तें भी होंगी, आप किसी भी पार्टी को आप फंडिंग कर रहे हो, अब ऐसा तो है नहीं कि किसी ने भी नई नई पार्टी बनाई और आपने पहुंचा तुरंत आपने फंडिंग कर दी। फंडिंग के लिए भी कुछ टर्म एंड कंडीशन थी। स्टेट और जनरल इलेक्शन में, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस में कम से कम 1% वोट तो उसे मिलना ही चाहिए, अपने डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1% वोट मिलना चाहिए, तभी आप उस पार्टी को, उस रूलिंग पार्टी को आप फंडिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप उसे फंडिंग नहीं कर सकते, ये हमारे देश का लॉ था, ठीक है। नेक्स्ट कि देखो, सेक्शन नंबर 182 में इस बात को बताया गया कि आप सिर्फ और सिर्फ 7.5% ही किसी भी पार्टी को दे सकते हो। अब रीजन इसके पीछे का क्या था ये समझिए, 7.5% ही क्यों, उससे ज्यादा क्यों नहीं, उससे कम तो आप कर सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये बोला गया कि 7.5% आप ज्यादा नहीं दे सकते। रीजन ये था कि देखो, कोई भी कंपनी होती है, आज टाटा ग्रुप्स इतनी बड़ी कंपनी है, तो उसमें सिर्फ रतन टाटा जी का ही हाथ नहीं है, सिर्फ उसके अंदर जितने भी बिगेस्ट शेयर होल्डर्स है उनका पैसा नहीं, कुछ छोटे शेयर होल्डर्स का भी पैसा है। जो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं वो कंपनीज में ही तो पैसा लगाते हैं। अब अगर मान लीजिए कि किसी ने डायरेक्टली 30% दे दिया किसी भी कंपनी को, मतलब किसी पार्टी को दे दिया, तो जो भी कंपनी थी वो तो लॉस में चली जाएगी। अब जिस भी छोटे मोटे लोग ने उसमें हिस्सेदारी ली थी, शेयर उसका खरीदा था, शेयर खरीदना मतलब हिस्सेदारी लेना, तो जिसने भी लिया हुआ था उसका तो भैया शेयर गिर गया, वो तो घाटे में चला गया ना, उससे ना आपने पूछा कुछ भी नहीं किया, और आपने अपने प्रॉफिट के लिए ले लिया, उन्हें पार्टी को पैसा दे दिया, लेकिन बेचारे का घाटा तो यहाँ पर हो गया ना। 7.5% जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, मतलब कि इलेक्टोरल बॉन्ड यही कहता था कि 7.5% आप दे सकते थे, तो ये एक अच्छा रूल था। लेकिन 2019 के बाद इससे भी भैया हटा दिया गया, ये बोला गया कि अब आप 7.5% नहीं, आप जितना चाहे उतना निवेश, मतलब कि किसी भी पार्टी को दे सकते हैं। अब देखो, इसके दो कंडीशंस होते हैं कि या तो क्यों आदमी देगा, किसी भी रूलिंग पार्टी को क्यों देगा, इसलिए देगा कि जो भी पार्टी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, आपने अपने सहमति से दे दिया। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप अपने प्रॉफिट के लिए, आप अपने प्रॉफिट के लिए ही पैसा देंगे, बिना मतलब के तो कोई काम नहीं होता दुनिया में। तो ये कहां से हो गया कि किसी भी कंपनी ने ऐसे ही पैसा दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को देखा कि भैया सेकेंड कंडीशन ही यहां पर लग रही है, क्योंकि कोई भी कंपनी होगी वो ये चाहेगी कि मेरे पास कितनी ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पावर हो, कितनी ज्यादा से ज्यादा ताकत हो, तो वो क्या काम करेगी, ज्यादा से ज्यादा फंडिंग करेगी ताकि गवर्नमेंट उसके पक्ष में रहे। इसीलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नामक चीज ही नहीं थी।
पता ही नहीं चलता था कि भैया किसको देना है किसको नहीं देना है। अब इसमें ये पॉइंट था कि देखिए आज सुप्रीम कोर्ट के पास किसको एसबीआई को जमा करना था, ठीक है, एसबीआई को टोटल इन्फॉर्मेशन जमा करनी थी कि कहाँ से कितना इन्फॉर्मेशन, मतलब कितना किसने पैसा दिया है, किसने नहीं दिया है, कितने बॉन्ड्स खरीदे गए हैं, ये सारी चीज़ें देनी थी। लेकिन आज एसबीआई ने उस चीज़ को नहीं दिया। एसबीआई ने आज सिर्फ दो चीज़ों को बताया, सिर्फ दो चीज़ों को बताया कि किस पार्टी को कितनी फंडिंग हुई है, किस पार्टी को कितनी फंडिंग हुई है और किस पार्टी को कितने शेयर्स मतलब कि मिले। जैसे कि बीजेपी है, बीजेपी के 60 अरब 60 करोड़ ऐसे ही कुछ मीन्स की फंडिंग टोटल हुई पिछले 2019 से लेकर 24 के बीच इतनी फंडिंग बीजेपी को हुई, ठीक है। और सेकेंड वन जो कि मतलब कि एसबीआई ने जो चीज रखी थी कि किस कंपनी ने कितना वहां पर मतलब कि फंडिंग की है, दो ही चीजों को दिखाया गया। अब ये नहीं दिखाया गया कि किस अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है, किस आदमी ने ट्रांजैक्शन किया है। जब आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदते हैं ना तो भले ही उसमें आपका नाम नहीं होता, पार्टी का नाम नहीं होता, लेकिन आपका तो नाम लेकिन आपके अकाउंट नंबर तो होता है। इसी चीज़ के लिए एसबीआई ने 3 महीने का टाइम मांगा था कि हम जून में जमा करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम 6 मार्च को दिया था, लेकिन 6 मार्च को उन्होंने नहीं जमा किया, 12 मार्च को दिया, फाइनली 15 मार्च को कहा कि आपको कैसे भी जमा करना है नहीं तो आपके ऊपर सीरियस एक्शन लिए जाएंगे। और आज 15 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट थी वहां पर जाकर एसबीआई ने इन सारी चीज़ों को रखा। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन का टाइम और दिया है ताकि जितने भी बॉन्ड्स बने हुए हैं मतलब कि उन सबके अकाउंट डिटेल्स आने चाहिए कि कहाँ से कितना पैसा आया हुआ है और कहाँ से कितना पैसा गया है, किस पार्टी को फंडिंग हुई है, ताकि ये पता चल सके कि आखिर किस पार्टी को कितनी फंडिंग हो रही है। क्योंकि जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर हर एक चीज़ को दिखाना ज़रूरी है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे सिटीजन्स को इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है, हमारा मौलिक अधिकार है। भाई हम किसी भी पार्टी को वोट कर रहे हैं, हम किसी भी पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो वो पार्टी क्या काम कर रही है, कहाँ से पैसा ला रही है, कहाँ से नहीं ला रही है, हमारा अधिकार है देखना। तो इसीलिए जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया, इसको खारिज कर दिया और कहा कि असंवैधानिक है ये, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नामक चीज़ ही नहीं, ठीक है। सो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था, मैंने टोटल इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर ब्लिंक कर रहा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।